मैंने अभी तक आपको तीन मैथड्स बताई हैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में ओके तीन मैथड्स को यूज़ करके हमने मीन कैलकुलेट किया था फर्स्ट वन थी आपकी नॉर्मल मैथड ओके सेकेंड वन थी आपकी एज्यूम्ड मीन मैथड और थर्ड मैथड थी आपकी स्टेप डेविएशन मैथड ओके सो आप इसमें से इन तीनों मैथड में से कौन से भी मैथड को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगे और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बहुत खास होने वाला है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इंक्लूसिव सीरीज़ और एक्सक्लूसिव सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी ओके okay? अब हम स्टूडेंट्स जब भी आपको क्वेश्चन मिले स्टैटिस्टिक्स का जिसमें आपको मीन मोड मीडियम जो भी निकालना हो उसमें और आपका वो यदि क्लासेस दी हुई हूँ तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट ये चेक करना है कि जो गिवन क्लास है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में है या फिर इंक्लूसिव सीरीज़ की है ओके सो एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है कि जैसे ट्वेंटी यहाँ पे आपको क्लास किस टाइप से दी ट्वेंटी से थर्टी दी है देन थर्टी से फोर्टी दी हुआ है तो स्टूडेंट जब हम इसमें बीच में नंबर्स को इंक्लूड करते हैं ट्वेंटी से थर्टी के बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे ट्वेंटी वन होगा ट्वेंटी टू होगा ऐसे करके डैश 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 कहाँ तक नंबर्स जाएंगे ट्वेंटी नाइन नाइन तक जाएंगे ओके थर्टी वाला नंबर यहाँ पे क्या है इंक्लूड नहीं है ओके यहाँ पे थर्टी क्या है एक्सक्लूड है तो ये कौन सी वाली सीरीज़ होती है स्टूडेंट्स आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ ओके जनरली क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में एक्सक्लूसिव सीरीज़ के ही मिलते हैं लेकिन इन केस यदि आपको इंक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चन मिले तो आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी ओके okay? यहाँ पर मैंने एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ का एक क्वेश्चन लिया है और एक इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन लिया है दोनों क्वेश्चन मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ जिससे कि आपको इन क्वेश्चन के लिए अच्छे से अंडर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ओके सो स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पे क्लासेस कैसी है ट्वेंटी से थर्टी है देन थर्टी से फोर्टी है फोर्टी से फिफ्टी है अब अगर ट्वेंटी से थर्टी वाली क्लास यदि आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तो जो थर्टी नंबर है वो क्या है इस सीरीज में इंक्लूड नहीं है ओके okay? यहाँ पे ट्वेंटी वन आएगा ट्वेंटी टू आएगा ऐसे करके कहाँ तक के नंबर है आपके ट्वेंटी नाइन तक नंबर हैं थर्टी वाला नंबर कहाँ जाएगा नेक्स्ट वाले इसमें जाएगा यहाँ पे नंबर कहाँ से थर्टी से फोर्टी वाला यदि हम कंसिडर करते हैं तो इसमें कौन कौन से नंबर होंगे थर्टी वन होगा थर्टी टू होगा ऐसे डैश डैश जै करके कहाँ तक नंबर जाएंगे थर्टी नाइन तक जाएंगे फर्टी वाला इसमें नहीं आएगा नेक्स्ट में आएगा तो इस सीरीज़ को क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं ओके okay? सो so ये इस टाइप की सीरीज आपकी होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़ और एक्सक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चन हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं ओके जिस तरीके से मैंने सॉल्व करना आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था लास्ट वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे एक्सक्लूसिव सीरीज़ के थे और मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सक्लूसिव सीरीज के ही आपको बुक्स में मिलेंगे कुछ एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जो इंक्लूसिव सीरीज से रिलेटेड होंगे ओके सो स्टूडेंट्स ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ का क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व करेंगे वही नॉर्मल मैथड अप्लाई करेंगे जो हम प्रीवियस मैथड में अप्लाई प्रीवियस वीडियोज़ में अप्लाई कर चुके हैं ओके सो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लैथ सी ही स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है ओके स्टेप डेविएशन मेथड हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं क्लास हमने यहाँ पे मेंशन कर दी पूरी क्लासेस जो भी दी हुई थी आपको ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी ओके सारी आपने यहाँ पे क्लासेस मेंशन करी है उसके बाद में आपने फ्रिक्वेंसीज जो दी हुई थी क्वेश्चन में ओके फ्रीवेंसीज दी हुई थी ट्वेंटी फाइव फोर्टी फोर्टी टू थर्टी थ्री टेन ये सारी हमने क्या किया एक्सक्लूसिव सीरीज जो भी सीरीज़ दी हुई थी उसकी फ्रिक्वेंसीज़ को हमने यहाँ पर मैंशन कर लिया फ्रिकवेंसी का सम हमें फॉर्मूले में लगता है तो फ्रिकवेंसी का सबका सम कर लिया ट्वेंटी फाइव प्लस फोर्टी प्लस फोर्टी टू प्लस थर्टी थ्री प्लस टेन तो यू विल गेट अराउंड वन फिफ्टी ओके सो आपको ये फ्रिक्वेंसी का सम मिल गया क्लास मार्क निकाल लिया स्टूडेंट्स क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको अपने लास्ट तीन वीडियो से निकालना बता रही हूँ एक बार और बता दी हूँ किस तरीके से हम क्लास मार्क निकालेंगे स्टूडेंट्स हमने क्या किया जैसे हमें ट्वेंटी से थर्टी के बीच का क्लास मार्क निकालना है ओके okay? तो दोनों उसकी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय टू कर दिया लाइक दिस ओके हमने किया ट्वेंटी प्लस थर्टी डिवाइडेड बाय टू कितना हो गया फिफ्टी बाय टू अब फिफ्टी बाय टू दैट मींस कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो ये आपके पास में आ गया ट्वेंटी फाइव ओके नेक्स्ट थर्टी से फोर्टी के बीच का भी निकाल लो थर्टी से थर्टी और फोर्टी को ऐड करो कितना मिलेगा आपको स्टूडेंट सेवेंटी मिलेगा ओके okay? अब सेवेंटी डिवाइडेड बाई टू कर लो तो कितना मिल जाएगा थर्टी फाइव मिल जाएगा तो ये थर्टी फाइव आ गया अब स्टूडेंट्स थर्टी से फिफ्टी का आपको चेक करके निकालना है तो निकालो नहीं तो ये यह यहाँ पे आपको क्या है यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा ट्वेंटी फाइव और थर्टी फाइव के बीच में कितना का डिफरेंस है टेन टेन का डिफरेंस है तो नेक्स्ट में भी कितना का टेन टेन का डिफरेंस आएगा तो कितना हो जाएगा ये फॉर्टी फाइव हो जाएगा थर्टी फाइव प्लस टेन कर दिया फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस टेन फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस टेन सिक्सटी फाइव इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या तो आप सिंपली दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय टू करो तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा क्लास मार्क मिल जाएगी सारी क्लास मार्क आपको इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको अच्छे से कैलकुलेट करना सिखाया है यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो वो भी आप वीडियोस को देख सकते हैं वहाँ पे चेक कर सकते हैं ओके अब स्टूडेंट्स हम क्या निकालते हैं डेविएशन निकालते हैं ओके डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है हमें एक ए चूज़ करना होता है डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं क्लास मार्क से एक ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जिसे क्या करते हैं सभी नंबर्स में सब करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि आप देखो कितने टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हो रही है हम क्या करेंगे हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टर्म्स है ओके तो हम क्या करेंगे ऊपर के दो नंबर को छोड़ दिया और नीचे के दो नंबर को छोड़ दिया ओके और इसे हमने क्या बोल दिया ए बोल दिया ओके स्मॉल ए बोल लिया या तो आप कैपिटल ए बोल रहे तो आपके पास में ए का वैल्यू कितना आ गया फोर्टी फाइव आ गया तो हम डी आई किस तरीके से निकालते हैं इस फोर्टी फाइव को क्या करेंगे एक्स आई की हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स आई माइनस में फोर्टी फाइव किया ओके फोर्टी फाइव कैसे चूज़ किया ऊपर के दो नंबर को छोड़ दिया नीचे के दो नंबर को छोड़ दिया जो बीच वाला सेंट्रल वाला नंबर है उसे हमने ए बोल दिया अब हम क्या करेंगे एक्सई में से ए को सब्ट्रैक करेंगे लाइक ट्वेंटी फ़ाइव में से हमने फोर्टी फाइव सब्ट्रैक किया ओके क्या किया हमने ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव ओके तो कितना आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी आएगा ओके सब्ट्रैक करना आप तो यू विल गेट माइनस का ट्वेंटी उसी तरीके से हमने क्या किया थर्टी फाइव में से थर्टी फाइव में से भी फोर्टी फाइव सब्ट्रैक्ट किया थर्टी फाइव में से फोर्टी फाइव सबट्रैक्ट किया यू विल गेट माइनस का टेन फ़ोर्टी फाइव में से फोर्टी फाइव से ट्रैक किया जीरो मिल जाएगा इसी तरीके से हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स फिफ्टी फाइव था आपके पास में यहाँ पे ओके फिफ्टी फाइव था फिफ्टी फाइव माइनस में हमने फोटी फाइव किया तो यू विल गेट टेन सिक्सटी फाइव में से आप फोर्टी फाइव से ट्रैक करोगे तो कितना मिलेगा ट्वेंटी मिल जाएगा इस तरीके से हमारे पास में क्यों कितना आ जाएगा डी आई की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि यहाँ पर मैंने सिस्टमेटिकली आपको बताइए ओके तो यहाँ पर डी आई का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया अब डी आई के बाद में हमें यू आई का वैल्यू का नीड होती है यू आई किस तरीके से निकालते हैं यू आई का जो फॉर्मूला होता है यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई बाई एच डी आई बाई एच और एच स्टूडेंट्स क्या होता है एच आपका होता है क्लास साइज़ क्लास साइज़ या फिर स्टेप साइज़ बोलते हैं तो so यहाँ पर स्टूडेंट्स एच किस तरीके से निकालेंगे एच निकालते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अगर इस क्लास ओवरऑल क्लास का एच निकालें तो थर्टी माइनस ट्वेंटी करेंगे हम क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट थर्टी माइनस ट्वेंटी कितना गया? 10 आ गया टेन आ गया तो यहाँ पे एच कितना मिल रहा है टेन मिल रहा है आप नेक्स्ट में भी चेक कर सकते हैं फोर्टी माइनस में थर्टी किया तो भी टेन मिलेगा आपको फिफ्टी माइनस फोर्टी करोगे तो भी टेन मिलेगा दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में स्टूडेंट्स एच कितना है एच आपके पास में है यहाँ पे क्लास साइज़ जो कि टेन है ओके okay, तो क्लास साइज आ गई तो हमने यू आई किस तरीके से निकाला यू आई हमने निकाला स्टूडेंट्स डी आई डिवाइडेड बाई एच तो ये यहाँ पे डी आई लिखा और डी डिवाइडेड बाई एच एच कितना था स्टूडेंट टेन था मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया एच वॉस टेन ओके okay, तो हम क्या करेंगे इसको टेन से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डी था डी को टेन से डिवाइड करना है तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टेन का तो कितना मिला माइनस टू टेन को अब टेन से डिवाइड करेंगे तो माइनस का वन जीरो को टेन से डिवाइड करेंगे तो जीरो मिलेगा टेन बाय टेन किया वन मिला ट्वेंटी बाय टेन किया तो टू मिला ओके नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास में यू आई की वैल्यूज़ आ गई ओके okay, अब यू मिल गया है हमें तो हम क्या करेंगे एफ में यू का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ओके ये सारे कॉलम्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलम्स हमें बनाना है ओके तो अब हमने क्या किया फ्रिक्वेंसी में यू आई का मल्टीप्लाई कर दिया एफ आई इंटू यू आई ट्वेंटी फाइव इंटू माइनस का टू मल्टीप्लाई किया कितना मिलेगा माइनस का फिफ्टी मिलेगा ओके okay? सिंपली हमें मल्टीप्लीकेशन करना है स्टूडेंट्स बाकी यहाँ तो पे कुछ भी टफ़ नहीं है सिंपल ही कैल्कुलेशन हैं और ट्वेंटी फ़ाइव इंटू माइनस टू किया कितना मिला माइनस का फिफ्टी मिला फोर्टी इंटू माइनस का वन किया माइनस का फोर्टी मिला फोर्टी टू इंटू ज़ीरो करोगे तो जीरो मिलेगा थर्टी थ्री इंटू टेन किया तो थर्ट थर्टी थ्री इंटू वन किया ओके इसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो कितना मिला थर्टी थ्री मिला टेन इंटू टू किया तो ट्वेंटी मिल गया इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें नंबर्स मिल जाएंगे देन हमें क्या करना होगा इसका सिंपली एडिशन करना होगा ओके तो हमने इसे किस तरीके से एडिशन किया कि हमें नेगेटिव नंबर्स को सेपरेटली ऐड कर लिया नेगेटिव नंबर्स कितने हैं माइनस का फिफ्टी माइनस का फोर्टी कितना हो जाएगा माइनस का नाइन्टी हो जाएगा और जो पॉजिटिव नंबर थर्टी थ्री व ट्वेंटी थर्टी थ्री ट्वेंटी को अलग से ऐड कर लिया यू येट फिफ्टी थ्री इन दोनों नंबर्स को आपको एट लास्ट ऐड करना है तो माइनस नाइन्टी प्लस फिफ्टी थ्री कितना हो जाएगा माइनस का थर्टी सेवन सो ये माइनस का थर्टी सेवन आपके पास में एफ आई यू आई का एडिशन आ गया ओके और एफ आई कितना था आपके पास में एक सौ पचास था वन फिफ्टी ओके सो हमारा जो मीन का फॉर्मूला था मीन का फॉर्मूला आपके पास में ये था जिसमें आपके पास में एच का वैल्यू टेन था ओके एफ आई यू आई आपने निकाला था एफ आई यू वाई निकाला था आपने माइनस का थर्टी सेवन ओके माइनस का थर्टी सेवन ये निकाल के दिया था मैंने आपको सिमिलरली समीशन ऑफ एफ आई आपके पास में कितना था वन फिफ्टी था वन फिफ्टी ए कितना था आपका फोर्टी फाइव था स्मॉल ए बोल रहे या तो कैपिटल ए बोल रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी फॉर्मलेज में देन फोर्टी फाइव माइनस में थर्टी सेवन बाई वन फिफ्टी इन टू टेन हो गया जीरो से ज़ीरो कट जाएगा थर्टी सेवन को फिफ्टीन से डिवाइड करें अप्रॉक्स आप आपको इतना मिलेगा और फोर्टी फाइव में जब आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा ओके सो दिस इज़ द वे हाउ विल कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज ओके एक्सक्लूसिव सीरीज का हमने मीन निकाला है जो कि नॉर्मल मैथड से हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ नया क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ जो कि क्या है इंक्लूसिव सीरीज़ का है सो तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में मैन मीन मोड चैप्टर में क्वेश्चन कोई सा भी सॉल्व करें तो सबसे पहले चेक करें कि वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है या इंक्लूसिव सीरीज़ है यदि इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन आपने एक्सक्लूसिव मेथड से सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर नहीं आने वाला है ओके okay? सो so, पहले चेक करें एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव है देन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें ओके सो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज दिस अब ट्वेंटी सेवन में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है आपके पास में एक टेबल दिया हुआ है ओके okay? और आपको मीन निकालना है ओके एज डिस्ट्रीब्यूशन और पैशन से सब दिया हुआ है और आपको मीन निकालना है इस क्वेश्चन में एज दी हुई इन ईयर्स अब यहाँ पे आप स्टूडेंट सीरीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे सीरीज किस टाइप से दिए फाइव से लेके फोर्टीन तक दिए फिर फिफ्टीन से लेके ट्वेंटी फोर दिया हुआ है मतलब यहाँ पे फोर्टीन रिपीट नहीं हो रहा है हमेशा तक हमेशा हमसे क्वेश्चन सॉल्व करते तो क्या नंबर्स रिपीट हो रहे थे लाइक टेन टेन से ट्वेंटी था फिर ट्वेंटी वापस रिपीट हो रहा था ट्वेंटी से थर्टी हो रहा था फिर थर्टी वापस रिपीट हो रहा था थर्टी से फोर्टी हो रहा था इस तरह की हमें सीरीज़ मिल रही थी लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर सीरीज़ ब्रेक हो गई यहाँ से फाइव से लेकर फोर्टीन तक आया फिर फोर्टीन वापस रिपीट ना होकर नेक्स्ट नंबर आ गया फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी फोर तक दैट मीन्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा है सीरीज़ आपकी ब्रेक हो गई है और इस टाइप की सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे हम फोर्टीन को क्या कर रहे हैं जो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है उसको इसी क्लास में इं, इंक्लूड कर रहे हैं ओके इसी क्लास में हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए हमने इसे क्या बोला इंक्लूसिव सीरीज़ कहा ओके तो so, फाइव से लेके फोर्टीन तक रहा तो ये फोर्टीन इसमें फाइव से लेके फोर्टीन क्लास तक कितने कौन कौन से नंबर्स आएंगे फाइव आएगा सिक्स आएगा सेवन आएगा एट आएगा और ऐसे करके फोर्टीन भी इसी क्लास में रहेगा ओके इसी क्लास में रहेगा और फिफ्टीन से लेके ट्वेंटी फोर तक की क्लास थी तो इसमें भी क्या कौन कौन से नंबर्स होंगे फिफ्टीन होगा ऐसे करके फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर भी इसी क्लास में मैंशनड रहेगा ओके सो so, ये किस टाइप की सीरीज़ है इंक्लूसिव सीरीज़ है और इस टाइप की सीरीज़ में क्या था जो टेंथ से ट्वेंटी जो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो एक्सक्लूसिव टाइप के थे जिसमें लास्ट वाला नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होता था ओके okay? सो so, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है इसे हमें सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ ओके okay? हमें क्या करना है स्टूडेंट सिंपली क्या करना है जो भी आपकी क्लास दी हुई है ओके जो भी आपकी क्लास दी हुई है उसमें से हम उसके पहले नंबर में से पॉइंट फाइव सबट्रैक करेंगे और दूसरे में पॉइंट फाइव ऐड करेंगे लाइक आपके पास में ये फाइव से लेकर फोर्टीन तक की क्लास थी तो इस वाले नंबर में से हमने क्या किया हमेशा जो पहला नंबर है उसमें से जीरो पॉइंट फाइव क्या करेंगे सब सब्ट्राक करेंगे सब ओके सब करेंगे दैट मीन्स माइनस करेंगे और जो लास्ट वाला नंबर है ये वाला जो नंबर है फोर्टीन इसमें क्या करेंगे जीरो पॉइंट फाइव ऐड करेंगे ओके okay. तो इस तरीके से किस तरीके से नंबर मिलेंगे अगर फाइव में से आपने जीरो पॉइंट फाइव किया तो यू विल गेट फोर पॉइंट फाइव तो ये आपका फोर पॉइंट फाइव ओके और फोर्टीन में आप फोर पॉइंट फाइव ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा फोर्टीन पॉइंट फाइव मिलेगा ओके okay. इसी तरीके से फिफ्टीन और ट्वेंटी फोर वाले में भी क्या करेंगे पहले वाले नंबर में से जीरो पॉइंट फाइव करेंगे और दूसरे वाले में हम ऐड करेंगे तो फिफ्टीन में से अगर जीरो पॉइंट फाइव आपने सब ट्रैक किया तो कितना मिला आपको फोर्टीन पॉइंट फाइव मिला ओके फोटीन पॉइंट फाइव तो ये आपका फोर्टीन पॉइंट फाइव वाली सीरीज़ आ गई और नेक्स्ट ट्वेंटी फोर में आपने क्या किया जीरो पॉइंट फाइव ऐड किया तो जीरो पॉइंट फाइव ऐड करोगे तो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव हो जाएगा ओके सिमिलरली नेक्स्ट क्लास में भी जाएंगे पहले नंबर में से जीरो पॉइंट फाइव सब किया तो ट्वेंटी फाइव में से ज़ीरो पॉइंट फाइव सब करेंगे तो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मिलेगा तो ये आपको ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मिला और दूसरे नंबर में थर्टी फोर वाले में क्या करेंगे थर्टी फोर में हम जीरो पॉइंट फाइव ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा थर्टी फोर पॉइंट फाइव मिलेंगे तो ट्वेंट थर्टी फोर पॉइंट फाइव मिल गया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि आप देखेंगे तो लास्ट नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है लाइक फोटी पॉइंट फाइव यहाँ पर रिपीट होता तो फोटी पॉइंट फाइव यहाँ पे आया यहाँ पर जो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव था ये ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो ये यह यहाँ पे जो सीरीज हो गई ये किस टाइप की हो गई एक्सक्लूसिव टाइप की हो गई और एक्सक्लूसिव सीरीज को सॉल्व करना तो हमें आता है अच्छे से हम सीख चुके हैं हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस पर बेस्ट तो अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे ओके तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन में चेक करें इंक्लूसिव है तो उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे जो भी क्लास का जो पहला नंबर है जैसे टेन से लेकर ट्वेंटी तक सपोज ऐसी क्लास दी हुई है तो पहले वाले में से जीरो पॉइंट फाइव को क्या करो सब कर दो सब कर दो और दूसरे वाले में क्या कर दो जीरो पॉइंट फाइव को ऐड कर दो ऐसे करके हमें सारे एलिमेंट्स पे जाना जितनी भी क्लासेस दी हुई है सभी क्लास में ऐसे ही करो पहले नंबर में से जीरो पॉइंट फाइव सब ट्रैक करो दूसरे में ऐड कर दो तो आपकी सीरीज कैसी हो जाएगी एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी देन आप उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते ओके और फ्रिक्वेंसी में स्टूडेंट कोई भी चेंजेस नहीं करना है फ्रिक्वेंसी विल रिमेन सेम बस आपको क्लास में चेंज करना है ओके तो क्लास तो आपकी ये दी हुई थी फ्रिक्वेंसी क्या थी सिक्स थी आपकी इलेवन थी ट्वेंटी वन फाइव इस तरीके से दिया हुआ था तो फ्रिक्वेंसी विल रिमेन सेम ओके फ्रिक्वेंसी विल रिमेन सेम नाव हमें क्या करना है सभी फ्रिक्वेंसीज का एडिशन करना है तो यू विल गेट एटी सिक्स प्लस इलेवन प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री इस तरीके से आपने एडिशन किया तो आपको कितना मिला एफ आई इज इक्वल्स टू एटी मिल गया नाव स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है क्लास मार्क निकालना है क्लास मार्क को हम क्या बोलते हैं एक्स आई से डिनोट करते हैं तो क्लास मार्क स्टूडेंट्स हम किस तरीके से निकालते हैं ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं ओके okay, क्या करते हैं जो भी आपके पास में क्लास दी हुई है स्टूडेंट्स ओके okay. जो भी आपके पास में क्लास दी हुई है डिसवर्स एक्स आई तो दोनों क्लासेस के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं डिसवर्स एफ आई ओके okay? दोनों क्लास को हमने ऐड किया लाइक फोर पॉइंट फाइव था आपके पास में पहली क्लास और फोर्टीन पॉइंट फाइव थी फोर्टीन पॉइंट फाइव दोनों को आपने ऐड किया ऐड किया तो कितना मिला फाइव फाइव टेन हो जाएगा ये फोर फोर एट और ये नाइन हो जाएगा और ये नाइनटीन मिल गया नाइनटीन पॉइंट जीरो तो नाइनटीन पॉइंट जीरो मिला तो नाइनटीन को हम क्या करेंगे टू से डिवाइड करेंगे जब आप इसे टू से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना मिलेगा टू नाइन सा एट्टीन एंड नाइन पॉइंट फाइव तो ये आपको नाइन पॉइंट फाइव मिलिया ओके आई होप आपको स्टूडेंट्स आ रहा होगा आपको एटलीस्ट स्टूडेंट्स क्लास मार्क तो निकालना अब आ ही जाना चाहिए क्योंकि मैं अपने बहुत वीडियोज़ में आपको ये बता चुकी हूँ ओके सो हमने इस तरीके से क्लास मार्क निकाला सेकेंड क्लास का भी, भी मैं आपको बता देती हूँ फोर्टीन पॉइंट फाइव प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव किया ओके फाइव फाइव से कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा कैद ही आएगा वन तो फोर फोर एट हो ये नाइन हो जाएगा टू प्लस वन थ्री थर्टी नाइन हो गया थर्टी नाइन पॉइंट जीरो तो थर्टी नाइन पॉइंट जीरो को जब आप टू से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा टू वन जो टू एंड टू नाइन जी एटी नाइनटीन पॉइंट फाइव समथिंग मिलेगा तो ये नाइनटीन पॉइंट फाइव आ गया इस तरीके से क्या करना है क्लासेस दोनों क्लास इंटरवल को दोनों को सम करना है और डिवाइडेड बाई टू करना है तो आपको क्या मिल जाएगा क्लास मार्क मिल जाएगा इस तरीके से आपने सारी क्लासेस कैलकुलेट कर ली ओके क्लासेस क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिया अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है ए का वैल्यू चूज़ करना है अब ए कैसे चूज़ किया हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एलिमेंट्स हैं तो इन्होंने क्या किया पहले के दो एलिमेंट को छोड़ दिया और नीचे से तीन को छोड़ दिया ओके और बीच वाला जो ये सेंटर वाला जो बच रहा था इसको हमने क्या बोल दिया ए बोल दिया ओके ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव उन्होंने ए बोल दिया आप चाहो तो थर्टी नाइन पॉइंट फाइव को भी ए बोल के सॉल्व कर सकते हैं ओके उप क्या करो आप क्या कर सकते हो ऊपर से तीन छोड़ दो और नीचे वाले से दो एलिमेंट को लीव कर दो तो उसे भी आप ए बोल सकते हैं ओके यहाँ पे इन्होंने ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव को ए कहा है जो कि मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ अभी प्रिंटेड फॉर्म में ओके तो इसे हमने ए चूज़ कर लिया है तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे यू आई निकालेंगे इन्होंने डेविएशन अलग से नहीं निकाला आप चाहें तो यहाँ पे डेविएशन का एक अलग से कॉलम बना सकते हैं डेविएशन किस तरीके से निकाल रहे थे स्टूडेंट्स हम एक्स आई माइनस में ए कर रहे थे तो एक्स आई माइनस में ए करके एक अलग से कॉलम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट आप यू आई निकाल लें डायरेक्ट क्या करें एक्स आई में से ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव को सब्ट्रैक करके डिवाइडेड बाय एच कर दे ओके एच एच कितना है इस क्लास का आपको मैं बताती हूँ एच किस तरीके से निकालते हैं अब स्टूडेंट्स एच निकालने का तरीका क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब फोर्टीन पॉइंट फाइव में से आप फोर पॉइंट फाइव को सब्ट्रैक करोगे तो कितना मिलेगा टेन मिलेगा ओके तो आपका टेन क्या हो जाएगा क्लास मार्क हो जाएगा तो मतलब क्लास साइज हो जाएगा एच इज इक्व टू टेन क्लियर तो एच इजिकल्स टू टेन तो यदि आपको चाहे तो डी आई का एक अलग से कॉलम बना ले और नहीं बनाना है तो डायरेक्ट यू आई को आप कैलकुलेट कर सकती बस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन थप हो जाएगा आपका ओके तो एक्स आई माइनस में ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव किया एक्स आई कितना था आपका नाइन पॉइंट फाइव था ओके नाइन पॉइंट फाइव था नाइन पॉइंट फाइव में से आपने क्या किया ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव को सब कर दिया ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव को सब किया कितना मिला है तो जीरो हो जाएगा नाइन में से नाइन गया ये भी जीरो हो जाएगा ट्वेंटी मिल जाएगा ट्वेंटी पॉइंट फाइव और उसको आप जब टेन से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स अभी नेगेटिव का साइन आएगा माइनस का ट्वेंटी तो टेन से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिला है आपके पास में माइनस का टू आया तो ये आपके पास में यहाँ पे माइनस टू है नेक्स्ट आप और कैलकुलेट कर सकते हैं है, अब नाइनटीन पॉइंट फाइव में से ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव सब करोगे यू विल गेट माइनस टेन और माइनस टन को जब टेन से डिवाइड करोगे यू विल गेट माइनस वन ओके नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखिए कॉपी पेन उठाए खुद सॉल्व करके देखें ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो ओके okay? क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं okay? ओके तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैलकुलेशन कितनी की है आपने ओके okay? तो आप खुद कैलकुलेशन करके देखें ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव को ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव से अप्ल कर को जीरो ही मिल जाएगा थर्टी नाइन पॉइंट फाइव में से ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव से अपल किया टेन टेन बाई टेन वन हो जाएगा तो इस तरीके से आप सिंपली यू आई का वैल्यू कैलकुलेट करें ओके okay? और इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास में पूरा यू की वैल्यूज़ आ गई वही यू की वैल्यूज़ में आपको यहाँ पर लिख के दिए अब सिंपली क्या करना है एफ में यू का मल्टीप्लीकेशन करना है तो सिक्स इंटू ट्वेल्व टू तो माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा इलेवन इंटू माइनस का वन ठीक है इलेवन इंटू माइनस का वन तो कितना हो जाएगा माइनस का इलेवन ट्वेंटी वन इंटू जीरो तो जीरो ही हो जाएगा ट्वेंटी थ्री इंटू वन ट्वेंटी थ्री हो गया फोर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी एट फाइव थ्री फिफ्टीन अब तो आपको इन दोनों नेगेटिव नंबर को अलग से एडिशन करना है पॉजिटिव नंबर्स का अलग से एडिशन करना है नेगेटिव नंबर्स को जब आप एडिशन करोगे माइनस माइनस प्लस करके यूल गेट दिस और जब पॉजिटिव नंबर्स का करोगे तो आपको समथिंग सिक्सटी सिक्स मिलेगा देन आपको इस माइनस ट्वेंटी थ्री और सिक्सटी सिक्स को ऑपरेट करना है ओके जब आप सिक्सटी सिक्स था आपके पास में और माइनस का ट्वेंटी थ्री था मतलब ट्वेंटी थी सब ट्रैक करोगे तो कितना मिलेगा सिक्स में से थ्री गया तो आपके पास में थ्री आया और ये हो जाएगा फाइव फाइव में से सॉरी सिक्स सिक्स में से टू गया तो कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा तो फॉर्टी थ्री आ जाएगा तो आपके पास में नंबर कितना आया स्टूडेंट्स फोर्टी थ्री एफ आई यू आई का जो सम आया वो फोर्टी थ्री आया और एफ आई का सम कितना था एटी था सिंपली कैलकुलेशन में फॉर्मला आपको वही यूज़ करना है स्टेप डेविएशन वाला मेथड का क्योंकि आपने स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करी है यहाँ पर ओके okay, तो ये यहाँ पे आपने ए आपने ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव चूज़ किया था ओके ए वॉज ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव यहाँ पर लिखा हुआ है ओके okay? और प्लस एच आपका टेन था मैंने कैलकुलेट करके बताया था एंड दिस इज़ फोर्टी थ्री अपॉन मै एटी जीरो से जीरो कट जाएगा फॉर्टी थ्री डिवाइडेड बाई एट करोगे तो आपको इतना समथिंग मिलेगा फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको अल्टीमेटली मेन आपको इतना मिल जाएगा ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द वे हाउ वी विल कैलकुलेट द मीन ओके इस तरीके से हम मीन कैलकुलेट करेंगे स्टिल स्टूडेंट्स यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं कॉमेंट करके मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको यदि रियली लगता है कि हमें मेहनत कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें थैंक यू वेरी मच